अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ आप सब भाइयों की खिदमत में फिर से हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये कि हमारे जो फ्रिज बैग्स हैं, बाकी ये सारे फैंसी जो हैं, बाकी पामोजी जितने भी हैं, इनमें एक दो फैंसी के अलावा भी हैं। आपको नज़र आ रहा होगा विदाउट पामोजी मेरे पास एक दो तीन हैं, बाकी सारे पामोजी वाले हैं, ये सारे पामोजी वाले हैं। बात ये है ना कि आज के वीडियो का टाइटल ये था कि अभी ये देखें, जैसे मैंने दाना डाला ना, बाकी सब आके खाना शुरू किया सब ने। ये तो अभी भी बच, इसने तो खैर ये जो पेयर है इसने तो ये और वो जो ऊपर अभी पीछे गई है ना ये वाला, इन्होंने तो बच्चे को पालना होता है इस वजह से ये लोग खाएंगे रेगुलरली ना। मेन जो पॉइंट है बात करने का वो ये है कि जो फैंसी पिजन्स में ये जो फ्रिल बैगनी है यार, ये बहुत कम खाते हैं यार। या तो ये कम खाते हैं या तो ये खाते ही नहीं हैं, लेकिन अगर ना खाएं तो ये एक्टिव ना रहें। इतना एक्टिव भी ये इतने होते हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ, इतने होते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि ये एक्टिव नहीं है या ये कमज़ोर है। बहुत ही कम खाते हैं यार ये लोग। ये जो नहीं है फैंसी, इनको पालना बड़ा आसान है, तो ये इनको ये पसंद नहीं है दाने गंदम वगैरह। वो तो मैंने बाजरा भी डाल के देखा है, हर चीज़ ला के डाल के देखा है, बस ये अपने थोड़े लिमिट का खाते हैं, तो लिमिट का पीते हैं, फिर बस ऊपर चढ़ के इधर बैठे रहते हैं पूरा दिन। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया इनका, कोई ज़्यादा खान पीन नहीं। ये तो बहुत खाते हैं ना, ये फैंसी तो बहुत खाते हैं, उड़ान वाले भी इतने नहीं खाते, लेकिन जो ये जो फैंसी है ना, मतलब आम जो पामोजी जितने भी हैं, गुब्बारे का तो मैं नहीं कह सकता। ये देखो ये फ्रिल बैग और इसकी लड़ाई हो रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फ्रिल बैग के पर को कोई चोट पहुंचे। फ्रिल बैग ही नीचे उतर गई, दोनों उतर गए यार। फ्रिल बैग नहीं है, कभी कभार मुझे टेंशन होता है ये जब खाते नहीं है ना, लेकिन सुबह और शाम ठीक से टिका के खाते हैं। लेकिन होते हैं ना कबूतर वगैरह, ये रेगुलरली नहीं है, ये जब भी डालो ना वो आके खाना शुरू कर देते हैं। वो सीन नहीं है इनका, बड़ा टाइम टेबल वाला सीन है अंग्रेज़ों की तरह, क्योंकि इम्पोर्टेड माल होता है ना। तो ये देखें, ये इन दोनों का तो ज़ाहिर बात खाना हक बनता है, इन्होंने अपना भी पेट भरना है, और ये जो नीचे हमारे पास नन्हे मुन्ने दोनों हैं ना, इनका भी पेट भरना है। ये दोनों माशाल्लाह से, ये एक नहीं है बाप पे गया है, एक माँ पे गई है। ये रेड वाला, ये मुझे खुशी इस बात की होगी अगर ये रेड वाला नर हुआ ना, तो हम बाद में कुछ करेंगे क्रिएटिव ना। पामोज तो इसके बहुत बड़े हैं, मैं आपको दिखाऊँ ना, अगर वेट इसके जो पामोज है ना, ये फुल रेड है। हमें लगता था, मुझे लग रहा था ये ब्लैक होगा, तो इसके बाल देखें ये रेड हो रहा है, इस तरह से माँ की तरह, इस माँ की तरह बनेगी मुझे लगता है। इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ। ये देखें पामोज भी काफ़ी अभी बड़े होने लगे हैं, ये तगड़ा चीज़ बनेगा भाई, ये मैं बता दूँगा आपको। साइज़ भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक ठाक बड़ी साइज़ में बच्चे आएंगे, और मेरे हाथ के बराबर है बिल्कुल। ये देखो इसमें एक बंदे का कबूतर आता है, तो ये बिग साइज़ में कबूतर है, और इनके थोड़ा वाइट शेड भी है बीच में, और रेड तो है, तो देख सकते हैं। और 6 दिन बाद देखना इसके पामोज, और माशाल्लाह से इसके जो होंगे ना, ये देखें पामोज काफ़ी बड़े वाले साइज़ में, अल्लाह करे नज़र ना लगे, बाकी इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ बनेगा ये भी ना। और दूसरा चीज़ भी मैं दिखा देता हूँ आपको, दूसरे का भी पामोज बहुत अच्छा है, दूसरे साइज़ में थोड़ा छोटा है, क्योंकि इसको मुझे लगता है ना ये बाप पे गया मुझे लगता है, क्योंकि इसके फुल वाइट है पामोज, इसके भी अच्छे हैं। देखो ये सीन है जनाब, ये भी इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन बाद इनके बाल शाल सही से आएंगे, फिर उसके बाद मज़ा आएगा भाई। तो बात ये थी ना कि फ्रिल बैग को क्या ऐसा खिलाएं कि वो खाना शुरू कर दें, तो भाई कोई ऐसा कोई ख़ास टोटके नहीं है, आम जो आपके पास है वो खिला दिया करो, ठीक है ना। कोई ख़ास इतनी ज़रूरी नहीं है कि ये खिलाओ वो खिलाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी मैंने नहीं, ये कल थोड़ा कलर वगैरह किया था, क्योंकि मैं चाह रहा था ना कि इसको, ये मेरा प्लानिंग था कि ये जो नहीं ये पार्ट यहाँ पे मैंने सी ग्रीन कलर किया हुआ है, ठीक
ठीक है। ये अभी असल में लाइट की भी इशू है, तो ये सी ग्रीन मैंने किया ना, ये पार्ट मैंने सी ग्रीन करना था तो वो मैंने किया। बाकी ये इधर ना, ये जो है इसमें मैंने कोई और कलर करना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिला तो वो ये वाला नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी करेंगे। ठीक हो गया। बाकी वो देखें, रेड भी अच्छे से खा रहा है यार। ये फ्रिल बैग का जो पेयर नहीं है, ये ब्रीडिंग पे आ जाए ना, मज़ा आ जाएगा। और हाँ, ये खाने को देखो मैंने क्या क्रिएटिविटी दिखाई है। ये वही वो थे जो नहीं है लकड़ी के फ्रेम वगैरह, उसको मैंने प्लास्टिक पेरस से फुल कोटिंग कर दी है, पक्का कर दिया काम ना। ये देखो जिस तरह छत की नहीं होती, ऊपर वाली छत जो सीलिंग के ऊपर डिज़ाइनिंग बनती है, उसके मटेरियल से मैंने इसको परफेक्टली ना, ये देखो साइडों पे चलने के जगह भी छोड़े छत पे मैंने, और अंदर इनकी केज बन गया। अब ये इसी तरह मैं और फटियाँ लाऊँगा और ये ऊपर 6-7 बन जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो कम अज़ कम बनेंगी, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। बस टाइम मिल जाए थोड़ा, ये भी काम हो गए इंशाल्लाह। बाकी सफाई यार आज नहीं कर पाया, पूरा दिन बिजी था पूरा दिन, ठीक है, तो सफाई बिल्कुल भी नहीं कर सका। और ये पैर हमारा चेक करो जी, इंशाल्लाह बेहतरीन पैर होगा, खूबसूरत पैर। और ये इन दोनों की चिक्स हैं, जिनके बच्चे अभी मैंने नहीं दिखाए, वो इन दोनों की सेकेंड ब्रीड, फर्स्ट ब्रीड ये दोनों थे। फार्मोज आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, अभी बच्चे हैं। ये दोनों कन्फर्म पेयर है, ठीक है ना, पैदाइशी पेयर हैं ये दोनों, एक नर एक मादी है। इंशाल्लाह महीना डेढ़ महीनों में ये भी अंडों पर आ जाएंगे। फार्मोज आप चेक कर सकते हैं दोनों के, बड़ा खूबसूरत पीजन है। और इस बार जो मौसम हुआ हुआ है ना टक्का के, बड़ा चक्कास हुआ हुआ है भाई, क्योंकि वहाँ से देखो ऑरेंज लाइट आपको नज़र आ रही होगी, मैं थोड़ा बाहर से भी दिखाता हूँ आप लोगों को। और हाँ, एक चीज़ दिखानी थी आप लोगों को, मुर्गियाँ मैंने काफ़ी अर्से आप लोगों को नहीं दिखाया, आज वो भी दिखाता हूँ, ठीक है, सब्र करो ज़रा। ओए होए 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 होए, असर के बाद जो यहाँ पे व्यू आता है ना, क्या मज़ेदार व्यू आता है यार कसम से, क्या ऑरेंज ऑरेंज हुआ हुआ है भाई, नज़र तो आ रहा होगा तुम लोगों को भी, हैं, थोड़ा जूम ही नहीं कर लें। ओए होए 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 ओए होए होए, चेक कर यार क्या खूबसूरत सीन है भाई। तो अभी मैं आप लोगों को ना यार, अभी एक और बहुत अच्छा मेरे पास आइडिया आया हुआ, इस फ्रंट पे ना बड़ा खूबसूरत करके मैंने लिखना है लाइफ ऑफ फैंसी पिजन, ठीक है। ये हमारे सारे पिजन, इसमें आपको अभी तो नज़र नहीं आएगा, रात को जब लाइट हो ना। अभी इनको पानी दाना मैंने दे दिया, इनको मैंने पानी वगैरह दे दिए, अब मैं लॉक कर रहा हूँ, लॉक करके ना आप लोगों को मुर्गियाँ वगैरह दिखाता हूँ, असील मुर्गियाँ जो हमने, हमारी बहुत छोटी छोटी हुआ करती थी ना, आज आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। तो चलो भाई नीचे चलते हैं। ये देखो जी, पड़ोसी का मुर्गा मेरी मुर्गी के पीछे करते करते इधर बाहर इंतज़ार शदीद में है, जैसे ही मैं छोड़ूंगा ना देखने क्या करता है। सब्र करो ज़रा, मैंने पूरा सेटअप लगाया था, ये देखो कब्जे वगैरह ना, लेकिन ये लासानी भी ठहरता नहीं है, ये देखो मैंने फुल लॉक वगैरह लगा दिया था, अभी निकलेगा ना, देखें ज़रा क्या करता है, देखना ये निकली है, आप चेक करिए ज़रा, चेक करना चेक करना, चेक किए। ओए होए 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 भाई, समझा करो ना बात को, फिर मानते हो कि नहीं मानते। हमारा है ना सरप्राइज़ वाली चीज़, वो तुम लोगों का भी पता चलेगा, वो जो चूजे छोटे छोटे हुआ करते थे ना, आज चेक करना भाई। ओए होए 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 होए, इस सारे असील है भाई असील, और ये डॉग के सामने भी जाते हैं, फ्रेंड है भाई, यहाँ पे कोई वो सीन नहीं है दुश्मनी वाली। और काफ़ी तेज तराज है भाई, आज आज ये घास ना बड़े मज़े से खाते हैं, असर के टाइम पे मैं अक्सर निकालता हूँ इनको। अभी एक आइडिया मुझे आया हुआ है कि ये जो लकड़ियाँ नहीं है मेरे पास, ये जो असल में ये फ्रंट पे बिल्डिंग पे काम चल रहा है, तो उसके मटेरियल्स जो गैर ज़रूरी मटेरियल सरिया वगैरह हमने इधर रखा हुआ है, ये इनकम्प्लीट है, काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा तो ये जो लकड़ियाँ नहीं है, ये मैंने शो एज अ शो पीस
उधर केज भी लेके जाना था, अभी थोड़ी देर तक मैं वो भी लेके जाऊंगा। तो ये बड़े ये परिंदों के लिए अच्छा फीलिंग कराता है, रियल लुक देता है ये, ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है। ये जो हमारे नहीं सरफेस, ये लास्ट टाइम इसके ऊपर ठीक ठाक घास हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो सर्दियाँ नहीं आई थी उसमें मैंने इसको प्लान किया था, मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ, ये ऐसे में थोड़ा नहीं अप डाउन था और पानी नहीं इधर इधर ज़्यादा ठहरता था, ये जो पक्की जगह हमने नहीं बनाई हुई, तो ये मैंने प्लान किया था, वो मिट्टी पूरा उदल बदल कर दिया था ना, अभी देखो पूरा फिर से घास आना शुरू हुआ है। इंशाल्लाह जब ये जून जुलाई में देखना, जब सही घास उगते हैं ना जून जुलाई में इधर पिंडी वगैरह में, तब बहुत अच्छा लुक देगा ये, ठीक है। और आपको मैं केज के थोड़ा सूरत हाल दिखा दूँ, ये मैंने कपड़ा रखा हुआ है ऊपर ना, ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ धूप की वजह से कच्चा हो जाता है, तो ये मैंने सेटअप बनाया हुआ है नीचे मुर्गियों के लिए, इसमें ब्रीडिंग वगैरह करवाया जाता है, इसमें जब बड़े हो जाए बच्चे उस इधर रहेंगे सारे, उसके बाद ये डॉग का पार्ट है, डॉग के पार्ट को हमने दरवाज़ा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डॉग के लिए दरवाज़े की ज़रूरत नहीं है, प्लस्तर वगैरह करना है, लेकिन अभी आपको पता है उसका भी इशू है टाइम का, पूरा टाइम ज़ाया होता है भाई इसमें, टाइम क्या पूरा दिन लगता है इनमें काम में। यार आप लोग सपोर्ट करो इंशाल्लाह, मैं ना फुल टाइम यूट्यूब को दूंगा इंशाल्लाह। ओए क्या हो गया भाई डॉग, ये जो डॉग है ना मेरा, ये मैंने 2016 के 17 में या 18 में, 16 17 18 में मैंने लाया था, और माशाल्लाह से अभी तक मेरे पास ही है और बड़ा वफादार है ये, ठीक है। वैसे तो शोर शराबा कुछ भी नहीं करता, आराम से बैठा रहता है, देखो मैं अभी हाथ आगे करूँगा ना, हाथ आराम से खुल, ये देखो थोड़ा बीमार लग रहा है मुझे, ये अभी इसके बाल छोटे हुए हैं, ठीक है, ये जब इसका ग्लीच करते हैं देखो फुल वाइट हो नज़र आ रही है बाल, बड़ा प्यारा चीज़ बनता है ये, इसके धूम वगैरह इससे भी मोटे होते हैं, इस तरह हस्की नहीं होता, हस्की का लुक देता, लेकिन हस्की है नहीं ये, बस एक मेरे पास बंदा था उसके घर में एक छोटा सा छोटे कद का वो हुआ करती थी कुत्ती ना, तो उसने बच्चे निकाले हुए थे बहुत सारे, तो मैंने ये उससे लाया था, छोटा सा गोलू मोलू से लाया था, अभी काफ़ी बड़ा हो गया, ये रखने की वजह नहीं है जस्ट फॉर क्या कहते हैं, ये जो नहीं है ये हमने एक चीज़ सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा सेटअप है हमारे इधर, ये मैंने जानवरों से बचाने के लिए रखा हुआ है, ये जब डॉग इधर रहते हैं ना तो होता क्या है, हमारे जो क्यारी नहीं है जहाँ पे लहसुन वगैरह लगे हुए, या लहसुन यार ये मैंने बाद में देखा कि इनकी जो फूल नहीं है बनने से पहले काटना था, मैं नहीं पता था क्योंकि हम पहले जो लहसुन लगाते थे ना इस इनमें लगे हुए थे ना सारे लहसुन, मैंने दिखाया हुआ आप लोगों को वीडियोज़ में, तो वो सारे नहीं है अभी, ये बिल्कुल हमारे बिल्डिंग के फ्रंट पे बिल्कुल, ये हमारे जो नहीं है ये अपना होम है, पहले मेरा जो केज हुआ करता था ना वो इधर हुआ करता था इसके अंदर, ये मैंने टेम्परेरी रखा हुआ था, अब मैंने ऊपर मास्टर केज बना दिया पूरा फुल, ठीक है। तो अभी इसी के फ्रंट पे जो प्लाट नहीं है इसी में हमने सब्ज़ी बनाया हुआ है, सब्जी का पूरा प्लाट ना इसके ऊपर मैंने अभी प्लानिंग करने के साफ़ सुथरा करके ना पूरा ये दीवार शेवार का सीन करके, दीवार तो खैर अभी नहीं, इसमें काफ़ी हमें सब्जियों का सीज़न वाइज ना, अभी भिंडी वगैरह वो देखें, ये दरख्त जो है छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं पौधे, ये सारे भिंडियों के और टमाटर वगैरह के, ठीक है, इसमें अभी भिंडी लगी है मैं ये नीचे, ये बड़े होंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारे भिंडी हैं, ठीक है, ये पुदीना आप नज़र आ रहा होगा इतने ज़्यादा मकदार में पौधे ना, ये देखो सारा पुदीना, ठीक है, अंगूर के बेल भी बड़ा हो गया भाई, फुल नहीं है, माहौल बनाया हुआ है मैंने इधर, ठीक है, ये पीच का दरख्त है, लेकिन यहाँ पे फल शल कोई नहीं लगता, लगता है लेकिन उसके लिए बहुत केयर करनी पड़ती है, जब इसका एक सीज़न आता है जब इनके ऊपर नहीं कीड़े मकोड़े लगते हैं तब इसको स्प्रे वगैरह करेंगे से एहतियात किया जाए ना, तो इन पे लग सकते हैं, लगता है फूल वगैरह हर चीज़ लगता है, लेकिन ये कि आप समझे ना बात को, यहाँ पे बिल्ली का भी बड़ा डर होता है यार, इसीलिए मैंने ये सारा सेटअप बनाया, ठीक है, इसमें अभी दिन को नहीं है, देखते हमारे सामने फ्रंट पे हम खुद होते हैं फिर इनको छोड़ा जाता है,
और ना इधर बिल्लियाँ बहुत है। एक चूज़ा भी उठा गया ना, और देखो इसके बीच में ये लोग खा रहे हैं, काफ़ी मज़े में खा रहे हैं भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे भाई, निकलो यार चलो। ओए कोई उधर फिर रहा है, कोई इधर फिर रहा है, तुम लोगों ने आतंक बचाया हुआ है, आतंक का दूसरा नाम है बाबू भैया। चलो चल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्लांट है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्लांट, इसको हम मार जबान में बंक कहा जाता है, बंक। चल 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 चल, दिस इज़ इंटरेस्टिंग प्लांट फॉर सम पीपल्स। चल 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 चल, तेरे बच्चे सारे उधर बाहर है, तू इधर घूम रही है, चल। शाबाश यार, ये अभी इंशाल्लाह बड़े बड़े होंगे, ठीक है। और इसमें मैंने थोड़ा नोट किया ना, तो इसमें काफ़ी अच्छे ब्रीड वाले भी हैं, कुछ थोड़े सिंपल वाले भी हैं, क्योंकि मैंने एग्स वगैरह कहीं से लाए थे, और इस मुर्गी के मुर्गी जब कुर्क पे बैठी थी ना, मैंने फिर रख दिए थे नीचे ना। तो दोस्तों ये देखें, अभी ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं घास, सेकंड टाइम इनको घास शास खिलाना चाहिए, बाकी डॉग भी उधर मस्त करके बैठा हुआ है, पड़ोसी मुर्गा भी आपके सामने थोड़ा सा, ठीक है, मज़े छजे ले के बैठ घूम रहे हैं ये भी। तो इंशाल्लाह अब इनको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, अगर वो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।